आ रहा है पूरा रोल। यस विधायक जी, ये बताइए कि जो राजा भैया नई पार्टी बनाने जा रहे हैं उसके लिए आप दौरा कर रहे हैं पूरे प्रदेश का, जी जी, तो क्या रणनीति बनाई जा रही है और दौरा किस मकसद के लिए? देखिए, राजा भैया को 25 साल निर्दल, पहली बार देश में कोई 25 साल, वैसे तो बहुत सारे लोग साथ साथ 8-8 बार रहे हैं, लेकिन राजा भैया निर्दल के रूप में 25 साल पहली बार कोई विधायक पूरा करने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आयोजन समिति बनी है, जिसके शैलेंद्र कुमार आयोजक हैं, शैलेंद्र कुमार पासी जी, विनोद सरोज जी उसके अध्यक्ष हैं, तमाम संगठन मंत्री नफीस जी, ऐसे तमाम समर्थकों ने मिलकर आयोजन समिति बनाई है, उनका सम्मान करेंगे। साथ में जनसत्ता दल का स्थापना दिवस भी उसी दिन हम लोग मनाएंगे और सम्मान समारोह के साथ साथ स्थापना दिवस भी मनाएंगे। अच्छा, जो पार्टी आप नई बनाने जा रहे हैं तो बड़ी बड़ी चुनौती होती हैं, आप देखिए क्षेत्रीय पार्टी पहले से ही हैं, बसपा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सारे लोग दल बनाते हैं, लेकिन दल बनाने वाले राजनीतिक अनुभव बहुत सारे लोगों का रहा भी है, बहुत सारे लोग निर्दल समाज को लेकर चलने का जो 25 साल का अनुभव है वो हम लोग साधारण ऐसे नहीं कि बहुत वैसे स्थान पे हमने बना लिया, हम 25 साल के अनुभव के बाद हम दल बनाने जा रहे हैं। राजा भैया का 25 साल का व्यक्तिगत विधायक रहने का अनुभव रहा, बगल की सीट से 25 साल उनको 20-22 साल से उन्होंने विनोद को, रामनाथ जी को अध्यक्ष विधायक बनाया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, हमको अमेठी से ला के MLC प्रतापगढ़ में बनाया, ऐसे तमाम लोगों को लेके चल के राजा भैया ने एक जो अनुभव किया है निर्दल के रूप में, उसके बाद उन्होंने दल बनाया है, तो एक पॉलिटिकल अनुभव उनको है सब समाज के लेके चले। लोग कहते हैं ठाकुरों की पार्टी, वहाँ ऐसा नहीं, वो राजा भैया के क्षेत्र में मात्र 6,000 ठाकुर हैं, वहाँ वो सब समाज को लेके चलने का उनका एक बहुत बड़ा, प्रतापगढ़ जनपद ने उनको प्रमाण पत्र दिया है कि सब समाज की नेता है। जाति को लेकर राजनीति होती आ रही है, जब बसपा की बात करें चाहे सपा की बात करें, ठीक है, तो एक बड़ा वोट बैंक यादव हो और बसपा के लिए दलित, हमने आपसे ठाकुर जो है मतलब कि हमने आपसे कहा कि कुंडा बैंक मात्र 6,000 ठाकुर है, उसके बाद भी ये राजा भैया ने 25 साल पूरा किया है, हर बार उनका वोट बढ़ा है, यानी कि उन्होंने सब समाज को लेके चलने का एक बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त किया जिसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई। अच्छा, 2019 में पार्टी की रणनीति क्या होगी? ये 30 तारीख के बाद जो पार्लियामेंट कमेटी की बैठक होगी, राजा भैया की बैठक होगी, वो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अभी तो हम केवल जिले वाइज घूम के लोगों को, जो चाहने वाले जो लोग मिल रहे हैं उनसे अपील कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने की, कई लाख की भीड़ होगी, ये हम दावा करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, MLC के चुनाव में राजा भैया ने जो है BJP को सपोर्ट किया था, एक ये हम नहीं कह सकते जो है मुखालफत हो रही है, किसके कारण? क्या नहीं, देखिए ये हम कुछ नहीं कह सकते कि उन्होंने किसको किया क्या नहीं किया, ये राजा भैया से आप पूछिए, लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि राजनीति, आप जानते हैं जब हम लोगों पर, जब प्रदेश में मायावती की सरकार थी, आदरणीय राजा भैया ने विधानसभा में बहुमत की बात की थी, 500 विधायकों ने उनके साथ बहुमत की थी, तो मायावती ने जब कार्रवाई की थी तमाम विधायकों ने सरेंडर कर दिया था, राजा भैया आखिरी लड़ते रहे, ऐसे में नेताजी ने जो बढ़ चढ़ के साथ दिया, तो राजा भैया ने 12 साल राजनीतिक जीवन माननीय नेताजी के साथ सहयोग करने में मिला के चले, और उसके बाद जब उनका बेमेल जोड़ तालमेल हो गया, इन स्थितियों में हमको अलग होना पड़ा। अब तक आप कितने जिलों का भ्रमण कर चुके हैं? हम करीब लगभग 40-45 जिलों का। तो आपको क्या लग रहा है कितना लोग पहुँचने की उम्मीद है लखनऊ? हमें तो लगता है कई लाख लोग पहुँचेंगे, जो उम्मीद से ऊपर लोग पहुँचेंगे। अच्छा, जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात BJP कर रही है, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए, इसमें आपसे ये मुद्दा BJP का मुद्दा है, मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, क्या करेंगे, क्या वादा किया है, वो पब्लिक के सामने है, उनसे पूछिए कि वो क्या करेंगे। हमारा वो साफ है कि न्यायालय पे हमारा हमेशा विश्वास रहा है, न्यायालय ने हमेशा मतलब न्यायालय से हमको संरक्षण मिला है, इसलिए न्यायालय पे हमारा बड़ा वो है, हमारी पूरी उसका, और हम लोग न्यायालय से जो और जहाँ तक BJP की इसकी राम मंदिर की बात हो, तो BJP का वो एजेंडा है, BJP की सारी चीजें उनको करना चाहिए, वो तो स्टेट में भी है, केंद्र में भी है, कहे तो बहुत दिन से रहे। जनपद हापुड़ जो है 60-84 के नाम से जाना जाता है, जहाँ 60 मतलब की सबसे जो है मतलब की ठाकुरों का बाहुल्य इलाका है। जी जी जी। तो पार्टी की क्या रणनीति रहेगी यहाँ से भी लोकसभा प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए, हमने आपसे स्पष्ट कह दिया एक बार में कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्लियामेंट कमेटी तय करेगी उसके बाद कि हम क्या करेंगे।